सो ही गाइस वेलकम टू हीरो क्विक। यार प्रशांत वर्मा की सुपर हीरो यूनिवर्स से फाइनली हनुमान का टीजर आ गया। अब यार इस टीजर के लिए ना मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था और वेट भी कर रहा था, क्योंकि यार जहां बजरंगबली वहां पर मैं। और जैसा कि मैंने कहा यार ये मूवी सुपर हीरो यूनिवर्स का पार्ट है, तो यार एक्साइटमेंट लेवल तो बढ़ाती है। और इसके टीजर का तो मैं काफी दिनों से वेट कर रहा था, तो फाइनली यार टीजर आ चुका है। चलिए रिव्यू करते हैं और जानते हैं क्या कुछ टीजर में बढ़िया लगा देखने में और क्या कुछ बुरा। यार स्टोरी अंजनधरी पर्वत से स्टार्ट होती है, जहां पे हनुमान जी का जन्म हुआ था। और आपको बता दूं कि इस पर्वत का पार्ट मूवी में काफी बड़ा होगा, हां मतलब कनेक्शन बहुत सारे होंगे। और यार ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो प्रशांत वर्मा की सुपर हीरो यूनिवर्स बन रही है ना, इसका नाम भी अंजनधरी वर्स है। और इसी सुपर हीरो वर्स में हमें अधीरा भी देखने को मिलेगा। यार अधीरा का टीजर तो आपने देख ही लिया होगा और उसके लिए भी आप एक्साइटेड होंगे। अब बात कर लेते हैं मूवी के कैरेक्टर्स की। अब जिस तरीके से अपने हीरो हनुमंथन जी को स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया गया, हाँ मतलब वो समुद्र के किनारे पड़े हुए हैं, ये चीज मुझे हजम नहीं हुई। पर मानता हूँ यार ये टीजर से क्रेज बढ़ाना चाहते हैं और यार ऐसा होगा भी। और फिर टीजर के कुछ शॉट्स में हमें हनुमंथन जी की पावर दिखाई गई है, जो कि यार काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल की लग रही है देखने में और मजा भी आ गया। हाँ मतलब लग रहा था कि भाई हनुमान जी की पावर है इनके पास। और एक शॉट आता है टीजर में कि जहाँ पे अपने हनुमंथन जी गदा को लेकर हेलीकॉप्टर के सामने खड़े होते हैं पर्वत पे, वो यार काफी ज्यादा मजा आया देखकर। और इन्हीं सबके बीच में हमें मीनाक्षी देखने को मिलती है, जो कि यार हनुमंथन जी की लव इंटरेस्ट हो सकती है, अब क्या कह सकते हैं। लेकिन ये चीज मुझे कुछ हजम नहीं हो रही, क्योंकि यार हनुमान जी की लव स्टोरी। खैर कोई बात नहीं, ये चीज हमें ट्रेलर देखने के बाद पता चलेगा, क्योंकि यार टीजर ज्यादा कुछ रिवील नहीं करता। और टीजर में यार हमें विलन का भी फर्स्ट लुक देखने को मिला है, जो कि माइकल है, और वो काफी ज्यादा एडवांस लग रहा है। मतलब हाँ यार जिस तरीके से इन्होंने टीजर में माहौल क्रिएट किया था, हाँ मतलब नेचर वाला और फिर वो गांव वाला, उसमें ये माइकल विलन कुछ ज्यादा ही एडवांस और कार्टून टाइप का लग रहा है मुझे। अगर मूवी के विलन का कनेक्शन अगर अधीरा मूवी से है तो यार हाँ मैं मानता हूँ, क्योंकि यार जो अधीरा का टीजर मैंने देखा था वो काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक लग रहा था देखने में। अब जैसा कि यार ये एक सुपर हीरो यूनिवर्स का पार्ट है, तो यार कनेक्शन कहीं ना कहीं से तो होंगे ही। और यार अब बात कर लेते हैं टीजर की कमियों के बारे में। अब जैसा कि मैंने सोचा था कि मूवी का बजट 100 करोड़ के पार होगा, लेकिन जब मुझे पता चला कि मूवी का बजट सिर्फ 12 करोड़ का है, भाई मैं शॉक हो गया। हाँ मतलब 12 करोड़ के बजट में भी इसने आदिपुरुष को टक्कर दिया, जो कि 500 करोड़ की बनी है। और यार आदिपुरुष तो मजाक बन के रह गई थी। अब यार 12 करोड़ के बजट में जिस तरीके से इसका विजुअल दिखाया गया है, मैं मानता हूँ कि यार इसके विजुअल्स काफी ज्यादा परफेक्ट नहीं है, लेकिन यार कहीं कहीं कुछ शॉट्स काफी ज्यादा अच्छे लगे हैं देखने में। मगर टीजर देखकर ये चीज तो क्लियर हो गया कि विजुअल्स पर काम अभी काफी ज्यादा बाकी है। खैर जो भी हो, मूवी क्या बवाल करने वाली है ये चीज तो ट्रेलर देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि यार ये तो टीजर था। अब होप करता हूँ यार आपको टीजर का रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करना और ऐसे ही रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना।